तो हमने पिछले वीडियो में जाना ध्यान क्या है, ध्यान की अवस्था क्या है, सतोरी क्या है, सात चक्र क्या है, ध्यान की विधि क्या होती है, निर्विचार की क्या अवस्था होती है, विचार क्या होते हैं तथा इन विचारों से मुक्त कैसे हुआ जाए और भी बहुत सारे अनुभव। अब बात करते हैं आगे। तो जब आप ध्यान की इस अवस्था को पार कर लेते हैं, इसी के बीच में आपको कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जिसमें आप अपने आप को एक विस्तार के रूप में देख पाते हैं, जहां पर आपका शरीर नहीं होता। एक्चुअल में होता तो आपका ये शरीर ही है, आप अपने शरीर को बहुत विस्तार, बहुत बड़ा होता हुआ देख पाते हैं। आप अपना विस्तार कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे, जैसे मानो कि आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ आपके अंदर समाने लगा है। आपका भौतिक शरीर असल में उतना ही होगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा एहसास होगा कि आपका वो कमरा, आपका वो घर जहां आप सो रहे हैं और आसपास के सभी घर, घोड़ा गाड़ी, पेड़ पौधे, वो सब कुछ आपके अंदर समाने लगा है, वो सब कुछ आपके भीतर ही है। ये एक्सपीरियंस भी आपको रोक सकता है, लेकिन आपको यहां पर भी नहीं रुकना, आपको इसे भी देखते हुए, इसका अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है। अब आपको ये देखना है कि चलो आगे क्या होता है, चलकर देखना चाहिए, क्योंकि समाधि के अनुभव में आपको ये भी नहीं पता लगता कि आप मौजूद हो, आपका होना ही मिट जाता है। परंतु आप जैसे ही समाधि के बाहर आते हैं, उसके बाद आपका मन उस समाधि की मेमोरी को वापस से पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि इसे बताया नहीं जा सकता, मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं। कुल मिलाकर समाधि से बाहर आने के बाद ही आप जान पाते हो कि आपको समाधि घट गई है। समाधि वाली अवस्था में आपको नहीं पता लगेगा कि आपको समाधि घट गई है, इस मेमोरी को या कहूं इस अनुभव को बाहर आकर ही पकड़ पाओगे। फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यह समाधि थी या क्या था। याद है मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में अगर ये अनुभव आपको घट जाए तो हो सकता है ये आपको डरा दे, क्योंकि ये लगभग मृत्यु जैसा अनुभव होता है। तो आपका अस्तित्व मिट जाने पर डर लगना असंभव है, और ये डरावना अनुभव क्षण भर का होता है। शुरुआत में इससे आपका ध्यान टूट जाता है, मतलब आपको समाधि कई चरणों में, कई टुकड़ों में, कुछ क्षण के लिए बीच बीच में कई बार घट जाती है। अब यहां पर समझने की एक बात है, इस प्रकार का अनुभव जैसे ही आपको घटता है, फिर आपको दोबारा अपनी तरफ से इस अनुभव को नहीं चाहना है। कहीं आप सोचो कि कुछ हुआ था, कुछ अच्छा हुआ था या कुछ अजीब हुआ था, वो मुझे दोबारा होना चाहिए, आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि इससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको करना क्या है, बस आपको केवल शांति से ध्यान में बैठना है। अगर आप ध्यान के बहुत सारे प्रयोग पहले कर चुके हो और आपको डायरेक्ट बैठते ही ध्यान लग जाता है, तो बस आपको यूं ही ध्यान में बैठना है। इस प्रकार के साधक को ध्यान से पहले जो तैयारी की जाती है, थकाने वाले प्रयोग, अब वो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ध्यान में चले जाते हो तो आप डायरेक्ट ध्यान कर सकते हो, और आपको ध्यान में बिना किसी विकल्प के बस यूं ही बैठे रहना है कि आगे होता क्या है और आगे चलकर देखते हैं, कुछ होगा तो ठीक, नहीं तो ध्यान तो लगा ही हुआ है। यानी अहोभाव, साक्षी भाव, कोई विरोध नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। इसी दौरान आपको बीच में ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, जैसे सविकल्प समाधि। जैसे ही आपको सविकल्प समाधि घटती है, तो सविकल्प समाधि में आप अपने मन में या अपने भीतर कोई विचार लेकर जाते हैं, या कहें कोई सवाल। जैसे ही सविकल्प समाधि घटती है, आपको इस विचार या कहें उस सवाल का जवाब मिल जाता है। असल में इस समाधि में प्रवेश से पहले आप अपने मन में कोई भी विचार डालते हैं या कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलता, उस सवाल का जवाब या उस विचार का जवाब आपको इस समाधि में मिलता है। इसी प्रकार से बीच बीच में आपको कई तरह के अनुभव होंगे, जिसमें आपको बीच बीच में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और जब आप रात में सोने जाते हो, सोने जाने से पहले अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करते हो, मैंने कहा केवल अभ्यास, आपका वह अभ्यास भी आपके लिए ज्ञान के द्वार खोलता है, यानी आपको नींद में भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। याद रखना, मैं पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं कह रहा, आपके कुछ आध्यात्मिक सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और जो व्यक्ति सजग होकर, सहज होकर सोता है, सोते हुए चेतना को जगाए रखने का प्रयास करता है, यानी होश में नींद का प्रयोग करता है, ऐसे व्यक्ति का माइंड क्रिएटिव होने लगता है। बहुत से सक्सेसफुल लोग कहते हैं,
कि उन्हें जो आइडियाज आते हैं जो उनका जीवन बदल देते हैं, वह आइडिया उन्हें उसी अवस्था में मिलता है जो लगभग ध्यान की अवस्था होती है। किसी वैज्ञानिक से किसी चीज का आविष्कार हो जाता है, उस आविष्कार की उसके दिमाग में कैसे आई, कविताएं कैसे जन्म लेती हैं, ये सभी प्रकार का ज्ञान विचारों के जरिए आपके भीतर डालती है। बस आपको थोड़ा सहज होकर जीना सीखना होता है, सहज और स्वाभाविक होकर सोना होता है, फिर अपने आप आपके विचारों में क्लैरिटी आने लगती है, नए आइडियाज आने लगते हैं और इसका उपयोग करके आप भौतिक जगत में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। ध्यान की अवस्था में या योग निद्रा की अवस्था में ज्ञान मिलने का प्रोसेस क्या होता है, ज्ञान मिलने के प्रोसेस में समय कितना लगता है और ज्ञान किन सोर्सेस से आता है। देखिए, ध्यान की अवस्था में जो आपको ज्ञान मिलता है या जो प्रश्न लेकर आप ध्यान में उतरते हैं, जैसे कि ये अस्तित्व कैसे बना, इसका अंत कैसे होगा, या शरीर क्या है, आत्मा क्या है, किसी भी प्रकार के सवाल में जब आपको ध्यान में इसका जवाब मिलेगा तो क्षण भर में मिल जाएगा। आप यूं समझ लें कि एक सेकंड में ही आपको बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान मिल सकता है जो आपको केवल एक दो सेकंड में मिला होगा, परंतु जब आप उसे एक्सप्लेन करने चलेंगे तो आपको बहुत सारा समय लग सकता है। तो ज्ञान आपको एक क्षण में बिजली की तरह मिल जाता है। तो जो आपके भीतर ज्ञान आता है, या कहूं आपके सवालों के सॉल्यूशन आते हैं, या यूं कहें कि इस प्रकार के विचार आते कहां से हैं, क्या ये परमात्मा के द्वारा भेजे जाते हैं? देखिए, हर प्रकार का ज्ञान परमात्मा या कहें परम ऊर्जा द्वारा नहीं भेजा जाता। इसमें बहुत सारे सिद्ध पुरुषों के विचार या जो इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, शुरुआत में आपके भीतर ज्यादातर रिकॉर्ड वहीं से आते हैं, मतलब ज्यादातर मेमोरी वहीं से आती हैं। याद रखना, किसी भी व्यक्ति का शरीर मरता है परंतु उसके विचार या उसका मन यहीं रहता है। अगर आप शांत और स्वाभाविक होकर उन विचारों को रिसीव करना चाहते हो, अगर उस तरह की मेमोरी चाहते हो, तो वह आपकी मदद करते हैं। इसी को कहते हैं गुरु तत्व या गुरु की एनर्जी से कनेक्ट होना। और जब परम ज्ञान घटता है तो वह परमात्मा द्वारा भेजा जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि जो ध्यान की अवस्था में आपको ज्ञान मिलता है या जो आपके अंदर विचार आते हैं, क्या उनकी प्रमाणिकता की आवश्यकता पड़ती है? आपको पता कैसे चलता है कि आपको ध्यान की अवस्था में जो घटा है, आपके अंदर से जो विचार आए हैं, आपको भीतर से अपने सवालों के जवाब जो मिले हैं, वो सही हैं या गलत हैं? देखिए, जो आपके भीतर से घटेगा उसे किसी की प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भीतर से मिले हुए ज्ञान में द्वंद नहीं होता। द्वंद से मतलब यह है कि आपको शंका या डाउट नहीं होता कि ये जो जवाब है कि ये सही है या गलत है, इसे मैं पता कैसे करूं, इस प्रकार का कोई भी द्वंद नहीं होगा। वह 100% आपके भीतर घटेगा, प्योर घटेगा। भीतर से मिले हुए ज्ञान में आपको बाहर किसी और से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जो हुआ है वह सही है या गलत है। बेशक कोई दूसरा व्यक्ति उसे गलत बता सकता है, क्योंकि हो सकता है आप उसे कह ना पा रहे हो, शब्दों में ला ना पा रहे हो, लेकिन उसकी सत्यता को आप ही जानते हैं। लेकिन इन सभी प्रोसेस में बीच में एक ऐसी चीज आती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आप उससे बच गए और ये पड़ाव पार कर लिया, तब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है, वरना ज्यादातर लोग मोक्ष के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे जब ज्ञान मिलना शुरू होता है, तब आपके जीवन में बहुत से बदलाव होते हैं, क्योंकि ध्यान की विधियों में आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर गति करती है और वह स्वाधिष्ठान चक्र तक आती है। ऊर्जा का बहाव इन दोनों चक्रों में तेज होते ही आपके भीतर भौतिकी और मानसिक रूप से बहुत से चेंजेस आते हैं, और इसी चेंजेस के साथ आपके भीतर अहंकार जन्म लेता है, जिसे स्पिरिचुअल ईगो भी कह सकते हैं। यह ईगो बहुत सॉफ्ट भी हो सकती है, जिसे आप शायद स्वयं भी ना पहचान पाए। जैसे ही आप नीचे के दोनों चक्रों पर पहुंचते हैं, आपकी वाणी और ध्यान में मिला हुआ ज्ञान लोगों को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। लोगों को अचानक से आपकी बातें या आपके द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगने लगता है, वे आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। इसी बीच आपके भीतर जन्म लेता है गुरु बनने का अहंकार। अभी आपको परम ज्ञान नहीं घटा है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो भी कुछ मिला है, आप उसी को लेकर अहंकारी हो जाते हो। आप सोचते हो कि आपको ज्ञान मिल गया
और आप गुरु बनने का प्रयास करते हो, पूरी दुनिया को ज्ञान देने का प्रयास करते हो। ये आध्यात्मिक इच्छा और लालच और ये अहंकार आपको यहीं रोक देता है। और इन सबके बीच रुकावट पैदा करने के लिए और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे अस्तित्व आपकी परीक्षा लेने लगता है। हो सकता है आपके जीवन में कोई सुंदर स्त्री आ जाए, हो सकता है कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हो, यानी आपको शारीरिक संबंध बनाने के भी अवसर मिल जाते हैं, अगर ये नहीं तो बहुत सारा पैसा कमाने के अवसर। ये सभी चीजें अस्तित्व के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है, जिसमें ज्यादातर साधक फंस कर रह जाते हैं और आगे की ओर गति नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, स्पिरिचुअल ईगो इतना खतरनाक हो सकता है कि जो आपकी बनी बनाई हस्ती को बर्बाद कर सकता है। आपने ऐसे बहुत सारे गुरुओं को देखा होगा जो आज जेल में हैं। चलिए, इस बारे में मेरी अपनी कोई भी राय नहीं है, लेकिन हाँ, यह सत्य है, जब आप ध्यान लगाना सीख जाते हो, ध्यान का प्रयास करते रहते हो, तो आप उस समय सीमा तक अपने आप को शांत रखने का प्रयास करते हो, भौतिकी रूप से भी और इमोशनली रूप से भी। इसके चलते समाज में इज्जत मिलने लगती है, फिर आप और ज्यादा डाउन टू अर्थ दिखने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सिंपल सादा स्वाभाविक, जैसे आपको क्रोध आता ही नहीं, हमेशा आप मुस्कुराते हुए दिखते हो। असल में यह भी एक प्रयास है, यह आप नाटक कर रहे होते हो जिसे आप स्वयं भी नहीं देख पाते, और यही वजह बन सकती है जिससे आपके भीतर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए, और वह क्रोध, वह गुस्सा आपसे कुछ भी करवा सकता है। एनीवे, जिसे आप दबाकर रोकना चाहते हो वह उतनी ही तेजी से बाहर निकलता है। एनीवे, इस वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। देखते हैं कि निर्वाण की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बीच में आपके साथ क्या क्या होता है और आपकी किस प्रकार की मनोदशा होती है, ये सब कुछ हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में।